भक्ति भजन और प्रवचन के अद्भुत संगम में डूबने के लिए सब्सक्राइब करें आस्था टीवी के यूट्यूब चैनल को और ताजा अपडेट के लिए बेल आइकॉन पर क्लिक करना न भूलें। बंधु माताओं, विज्ञान ने तन के मैल को धोने के बहुत सारे रास्ते बनाए हैं। शरीर की गंदगी को साफ करने के लिए बहुत सारे उपकरण बनाए हैं। साबुन बनाया है, सर्फ बनाया, क्रीम बनाया, पाउडर बनाया, इत्र बनाया, न जाने क्या क्या बनाया। आप उपयोग करते हो, आप जानते हो। मैं गाने का निवेदन क्यों कर रहा हूं, क्योंकि विज्ञान ने तन के मैल को धोने का तो रास्ता बनाया, साधन बनाया, लेकिन मन के मैल को धोने का कोई रास्ता नहीं बताया। बताइए, मन के मैल को धोने का कोई रास्ता किसी विज्ञान ने बताया हो? बंधुओं, माताओं, इस मन के मैल को धोने का मार्ग यदि किसी ने बताया तो गोस्वामी तुलसीदास जी ने मानस के समापन में बताया। रघुवंश भूषण चरितया हर कहहि सुनाहि जगावहि। रघुवंश भूषण चरितया श्रम भी करना पड़ेगा, परिश्रम भी करना पड़ेगा, लेकिन मन के मैल को धोने के लिए गोस्वामी जी ने जो युक्ति बताई है उसमें श्रम भी नहीं करना है। बिनु श्रम राम धाम सिधाओ, बिना श्रम के पहुंच जाता। इन्हीं मानस की चौपाइयों के गायन से, इन्हीं के श्रवण से रघुवंश भूषण चरित कहां ही सुनहीं जे गावहीं, इसलिए निवेदन कर रहा हूं। इसको हम सब गाएंगे।